everything that gives you pleasure is worth doing well. If you want to follow new trends, then don't let the fashion own you. Instead, decide what you are, what you want to express, and create your own style. Welcome to Dazzler Eternal Love Yourself with me, Akriti Anand, where we take you a step closer to your personal style. Every episode will showcase a stylist, a makeup artist, and a photographer. Hello, my name is Harshita Bajaj and I'm a student and I'm pursuing bachelor's in journalism and mass communication. And I'm a crazy person. Yes, I'm crazy over fashion. मतलब कोई भी नया ट्रेंड आया और मुझे उसे फॉलो करना ही करना है, ये मेरे लिए एक नेसेसिटी है. सो एज आई ट्राइड एवरी न्यू ट्रेंड एंड आई नीड मोर, सो आई हैव कम टू लव योरसेल्फ एंड आई थिंक लव योरसेल्फ विल हेल्प मी. Hi. Hello. How are you, Harshita? I'm all fine. What about you? I am great. तो आप फैशन बहुत फॉलो करते हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा. तो क्या क्या स्टाइल्स आपने फॉलो किए हैं? स्टाइल्स, आई वुड नॉट से स्टाइल्स, बट जो ट्रेंडी चीज़ें आती रहती हैं मुझे उनको फॉलो करने का बहुत क्रेज़ है. लाइक रेट्रो लुक्स अभी बहुत आ रहे हैं, तो आई वॉन्ट कि मैं कुछ ऐसा पहनूँ जो रेट्रो और 90s का और आज का मिक्सचर हो. ओके, एनीथिंग एल्स दैट वी कैन डू फॉर यू? एज वेल, मुझे लगता है कि मेकअप में मुझे थोड़ा ज़्यादा नहीं पता है, मुझे एम भी नहीं आता है मेकअप का. सो आई वॉन्ट कि मेकअप के बारे में मुझे और पता चले कि कैसे करना है, क्योंकि आजकल एक लुक मेकअप के बिना कम्प्लीट नहीं होता है. एब्सोल्युटली, दैट्स ऑल. ओके, आई गॉट योर पॉइंट. और आपको कुछ नया और डिफरेंट देने का जिम्मा मेरा. ओके, गिव मी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई नो हू टू टेक यू टू. सो लेट्स स्टार्ट विद योर वार्डरोब. ओह या, श्योर, लेट्स गो. हर्षिता, मीट अवर स्टाइलिस्ट अभिमन्यु. सर, बेसिकली आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट विद माई सेल्फ एवरी नाउ एंड देन. टूडे आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम द 1980s और 90s एंड प्रेजेंट का भी, मतलब एकदम मिक्सचर, फ्यूजन, कुछ तड़कता भड़कता टाइप्स. ओके, तो आपकी जो इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा. ओके, तो उसके लिए मैं आपको टाइम देती हूँ अभिमन्यु के साथ. ओके, एंड आई विल सी यू इन सम टाइम. या, श्योर. ऑलराइट, हैव फन. थैंक यू, बाय बाय. इस बार मेरे सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थी और वो अपने लुक्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी. वो चाह रही थी कि कुछ रेट्रो स्टाइल में ट्राई करा जाए उनके ऊपर और देखना चाहती थी उन पे वो कैसा लगेगा. वी विल ट्राई दिस फिटेड सीक्वेंस स्कर्ट विद फ्लावर्स. This is so cute. तो ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत सूट करेगा. Thank you. और इसे हम कंबाइन करेंगे विद दिस किमोनो टॉप. This is such a cute top. जो कि सिल्क फैब्रिक में है और आप पर बहुत अच्छा लगने वाला है. ये लुक अधूरा है. मेरे पास में बहुत अच्छी एक्सेसरीज हैं इसके साथ में. This in your hands. Yeah. And these earrings. These are so cute. You liked it? Yeah, I loved it. Hi. Hi. Hello. Garment decide bhi ho gaya? Yes. So without wasting time, you should try this. Yeah, I'm too excited. Yes, you should try this. But this was just the first step on your makeover. So let me take you to our next expert. Yeah, sure. I'm so excited. Hello, Harshita. Hello. हाँ जी, बताओ क्या क्या issues हैं आपके साथ? मैम, एक्चुअली द थिंग इज कि आजकल मेकअप बहुत ट्रेंडी हो गया है और मैंने कभी अपना मेकअप नहीं किया है और ना ही मुझे आता है, मुझे एम भी नहीं आता है मेकअप का. सो आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू एंड बट आई एम स्कैर्ड अ लिटिल बिट, क्योंकि स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, मैंने सुना है मेकअप से. इसलिए मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती, सिर्फ लिप ग्लॉस और काजल ही लगाती हूँ. बट दिस टाइम आई वांट टू सी माई सेल्फ इन अ मेकअप. ठीक है, मेरे पास डैसलर एटर्ना की कंप्लीट मेकअप रेंज है. मैं आपको बताऊंगी आप इससे किस तरह से अपना मेकअप कर सकते हो और आपके स्किन के कोई इश्यूज भी नहीं होंगे अराइज. ओके, ठीक है. हाँ जी, हर्षिता की जो स्किन है वो अच्छी स्किन थी जब मैंने एनालाइज किया. बस उनका जो टी जोन था वो थोड़ा सा ड्राई की तरफ था, बाकी ओवरऑल जो थी वो बहुत फैबलस उनकी स्किन थी. मैंने उनको उनके टी जोन पे अप्लाई करा डैसलर एटर्ना का मॉइस्चराइजर, ताकि आपका जो फेस है वो ओवरऑल इवन हो जाए.
Dazzler Eterna के जितने भी मेकअप रेंज है ये मेडिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं। ओके। तो आपके स्किन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉइस्चराइजर के एप्लीकेशन के बाद मैंने उनके फेस पे अप्लाई करा Dazzler Eterna का परफेक्ट ग्लो प्राइमर। ये आपको अपने ओवरऑल फेस पे अप्लाई करना है। ये बेसिकली आपका जो स्किन है ना प्रिपेयर करेगा मेकअप के लिए। ओके। अब मैं आप पे यूज़ कर रही हूँ Dazzler Eterna की कंसील पैलेट। Okay. ये 3-in-1 पैलेट है, इसमें कॉन्टोर है, हाइलाइटर्स हैं और कंसीलर्स हैं। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको अपना ये एरिया जो है इसको कंसील करना पड़ेगा, ताकि आप जो भी आई शेडो का कलर अप्लाई करोगे वो एकदम उसकी वाइब्रेंसी स्ट्रॉन्ग रहे। उनके आई मेकअप को मैंने कंप्लीट करा Dazzler Eterna Enchante आई शेडो पैलेट से। Dazzler Eterna के 6 शेड्स की एक पैलेट होती है। अच्छा। बहुत सारे शेड्स नहीं है इसमें जो कंफ्यूज करें आपको, पर अलग अलग रेंज इसके अंदर आती है। आप एक पैलेट ले सकते हो, वो सफिशिएंट है सेल्फ मेकअप के लिए। हर्षिता की जो आईज थी वो स्मॉल आईज थी उनकी, और उनकी आईज थोड़ी सी हिडन थी, तो इसलिए मैंने उनको बताया कि वो जितना लाइट कलर का आई शेडो अपने आईज पे अप्लाई करेंगी वो उतनी ब्यूटीफुल लगेंगी। मैंने उनके आईज़ पे सिल्वर कलर का आई मेकअप किया, क्योंकि वो उनकी ड्रेस के साथ भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, और सिल्वर ज़्यादा हाईलाइट भी होता है और इतना डार्क कलर भी नहीं है, तो उनके आईज़ पे वो बहुत ज़्यादा निखर के आया। मैंने उनके आईज़ पे स्मॉल विंग आईलाइनर लगाया जो कि उन पर बहुत अच्छा लग रहा था। लाइनर के लिए मैंने यूज़ करा Dazzler Eterna का आईलाइनर। ये एक पेन की तरह आता है, तो इसका जो यूसेज है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। उनके फेस के ऊपर मैंने फिर अप्लाई करा Dazzler Eterna का मार्वलस फाउंडेशन। ये लिक्विड फाउंडेशन है, फुल कवरेज है, इसीलिए थोड़े बहुत जो भी स्पॉट्स थे वो पूरी तरीके से छुप चुके थे। मैंने उनके आईज़ पे अप्लाई करा Dazzler Eterna का काजल सुप्रीम। मैंने उनको बताया कि ये स्मच प्रूफ काजल है, तो जब वो अपने आईज़ पे अप्लाई करेंगे तो उनका आई मेकअप भी ख़राब नहीं होएगा, और इसका भी ड्यूरेशन लॉन्ग है, और ये वाटरप्रूफ काजल है। उनके फेस के मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मैंने यूज़ करा Dazzler Eterna का शेयर ग्लो कॉम्पैक्ट पाउडर, ताकि उनका जो मेकअप है वो उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबे समय का हो जाए, उनका मेकअप बहुत जल्दी हटे नहीं, उस पर पैच नहीं बने, वो मेकअप ग्रे ना हो, इसलिए मेकअप का लॉक करना ज़रूरी था। उनके चीक्स पे मैंने अप्लाई करा आईटेक्स Dazzler ब्लश इन द शेड ऑफ सॉफ्ट पिंक। हर्षिता के लिप्स पे मैंने अप्लाई करा Dazzler Eterna लॉन्ग स्टे लिप कलर इन द शेड ऑफ पिंक। उनके लुक को मैंने कंप्लीट करा Dazzler Eterna नेल ग्लिटर से इन द शेड ऑफ सिल्वर, जो कि उनके ओवरऑल ड्रेस के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। हर्षिता बहुत ट्रेंडी हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने आउटफिट के साथ साथ हेयर स्टाइल्स में भी काफ़ी वेरिएशंस रखे हैं। उनको कुछ ऐसे हेयर स्टाइल चाहिए थे जो उनकी ड्रेस के साथ भी कॉम्प्लीमेंट करे और जो उनके फेस पर बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल और ग्लैमरस लुक दे, इसलिए मैंने उनको एक हाई पफ प्रोवाइड करा, जिसमें फ्रंट में उनके फ्रिंजेस थे और बैक में उनका जो हेयर स्टाइल था वो ओपन कर्ल्स के साथ था, तो उनके ओवरऑल लुक के साथ वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। ओके, सो हर्षिता, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम वेरी नर्वस प्लस एक्साइटेड एज वेल। ओके, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू सी योर रिएक्शन। Now, let me turn you around and open your eyes. Oh my God. I never expected कि मेरा face इतना pretty लग सकता है makeup में। उनने बहुत अच्छे से makeup किया और इतना light makeup किया। I mean, I can't feel the heaviness on my face. How did you like your dress? I am loving it. I didn't feel before कि मेरे पे ये अच्छी लगेगी, but it's looking really good on me. ये dress सब कुछ fulfill करता है कि नहीं? सब कुछ fulfill करता है। I mean beyond my imagination. मैं सोच नहीं सकती थी कि एक dress में आपको इतना सब कुछ मिल सकता है। Yeah, I'm loving it. Okay, so Harshita. आपका ये जो मेकओवर लुक है, सबसे पहले किसे दिखाना चाहते हैं? मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को दिखाना चाहूँगी कि उसको पता चले कि मैं अच्छी भी लगती हूँ। तो हमेशा मेरा मजाक उड़ाता रहता है, तो
आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको क्या बोलते हैं? मुझे बोलते हैं चुब्बू, क्योंकि मैं चबी हूँ। ओके, तो जो आपको बोलता है चुब्बू, उसको दिखाई देते हैं कि एक्चुअली इंडियन बार्बी होती क्या है। ठीक है ठीक है, तो बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे हाजिर हो। मतलब मुझे पता था कि तू अच्छी लग सकती है, बट अच्छा? इतनी अच्छी लगेगी ये कभी सोचा नहीं था। मतलब तू अभी भी मजाक ही उड़ा रहा है? मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं काफी सीरियसली बोल रहा हूँ ये बात। तेरे बालों से लेके तेरी ड्रेस, तेरे गालों के डिंपल्स, अच्छा? सब चीजें काफी अच्छी लग रही है। When Akriti gave me the surprise of Pankaj coming to the show, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने मेरी तारीफ करी है, और मैं उसको बहुत नाक करने वाली हूँ कि क्या बात है, मतलब मैं अच्छी लग सकती हूँ। देखा, आज नहीं लग रही चुब्बू। नहीं, आज चुब्बू नहीं लग रही है, चुब्बू से काफी बेटर लग रही है, आज हर्षिता लग रही है। I have another surprise. We are giving you a surprise photo shoot with ace photographer Abhinav Pardesi. हर्षिता इज सच अ क्यूट गर्ल। जब मैं उनसे मिला तो सबसे पहले मैंने नोटिस किया कि शी हैज दीज क्यूट डिम्पल ऑन हर चीक्स, जो उनकी पर्सनालिटी काफी स्वीट बना रहा था। आई वॉन्टेड टू शूट इन अ स्टूडियो एनवायरमेंट विद लेस थिंग्स टू डिस्ट्रैक्ट एंड जस्ट फोकस ऑन हर पर्सनैलिटी एंड ऑन हर पोजेस, सो दैट्स वॉट वी डिड। वी हैड सम इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स ओवर देयर एज वेल। मेरी एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं होती है, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब उन लोगों ने मेरी एक्सपेक्टेशंस को एकदम पीक पे पहुंचाया। थैंक यू टू डैज़लर एटर्नल, लव योरसेल्फ। दिस वाज एन अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस फॉर हर्षिता। हर स्माइल सेज इट ऑल। दिस इज वन प्रेजेंट वी चेरिश द मोस्ट। इफ यू वांट टू मेक सम मेमोरेबल एक्सपीरियंस, देन ड्रॉप एन ईमेल ऑन dazzlereternallovyourself@gmail.com. And join me, Akriti Anand, on Dazzler Eternal Love Yourself. I will see you next time. Until then, remember to love yourself.